मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। तो नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज रोहतक के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने बड़ौदा सीट पर जीत का दावा किया है और निकिता हत्याकांड में गिरफ्तारी पर उन्होंने बहुत ही अपने आप को ये समझाया कि भाई हम निपुण हैं और हमारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और उन हत्यारों को पकड़ लिया है। तो इस बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, किसानों में कोई विरोध नहीं है, जबकि किसानों में विरोध तो है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। लेकिन इस चीज़ को बड़ौदा चुनाव में किसान कितना उनको समर्थन दे पाएंगे, ये कहने वाली बात है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को भी वहाँ से पक्की जीत का दावा किया है। तो देखिए, कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण जो बना, कल उसका प्रदर्शन आपने देख लिया है। वहाँ हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी वहाँ होकर के आए हैं और जो कार्रवाई इस समय सरकार की चल रही है वो लोग संतुष्ट हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने जो कल्प्रेट थे उनको पकड़ लिया, उनकी सहायता करने वाला तीसरा अपराधी उसको भी कल पकड़ लिया है और उसकी फास्ट एक प्रकार से जो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, पुलिस को हमने कहा कि जल्दी से जल्दी इसका चालान, जो भी सामग्री इकट्ठी करनी है चालान पेश करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर इसको जो है इसका संज्ञान लिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जितना जल्दी हो सकता है ऐसे जो अपराधी हैं, ये जो घिनौना अपराध किया है उन्होंने, इस घिनौने अपराध को करने की वजह में उनको सख्त दंड दिया जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, क्या ऐसी भी प्रक्रिया है कि जो उसका चचेरा भाई MLA है, सरकार की ऐसी अनुशंसा है कि उसको बर्खास्त किया जा सकता है? देखिए, ये तो अपराध में संलिप्त कौन कौन है, जिसकी संलिप्तता इस अपराध में मिलेगी उन सबके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। अच्छा, कल बड़ौदा गए थे आप, अभी ताज़ा हालात क्या है और किस तरह का आपने वहाँ भाव पाया है लोगों का? देखिए, मैं कल 5 सभाएं करके आया हूँ। अभूतपूर्व वहाँ उत्साह था और उस उत्साह को देख करके और ख़ास करके वहाँ जो नौजवान तबका है जिन्होंने योगेश्वर पहलवान को एक चहेते कैंडिडेट के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि योगेश्वर पहलवान हमारा जो बीजेपी का JJP का साझा कैंडिडेट है उसको निश्चित जीत होगी, बड़े भारी मार्जिन से होगी। कल JJP और भारतीय जनता पार्टी और JJP का जो कार्यक्रम था आखिरी, उसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। लगभग 1.25 घंटा सभा चली है, शांतिपूर्वक सभा समाप्त हुई है और वहाँ से हम आ गए हैं। पीछे क्या हुआ, हमारे आने के बाद कुछ हुआ हो तो ऐसे शरारती तत्व कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने मान लो घुसा के रखे हुए हैं और बाद में शोर और करना उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारी सभा 1.25 घंटा चली है, बाकायदा ठीक से समापन करके वहाँ के कार्यकर्ता ने धन्यवाद किया, उसके बाद मैं वहाँ के सरपंच के घर होके आया, चाय पी के आया, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि आप लोग पीछे मेवात गए थे, आपने वायदा किया था लोगों से कि लव जिहाद जैसे केसेस पे ना कानून लेकर आएंगे, जो वायदे शुरू होने वाला है, जो वायदे किए थे सबके ऊपर काम हो रहा है और यथासमय सारे काम हो जाएगा। वहाँ जो जात पात का एक मुख्य मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी और JJP के प्रत्याशी हो, किस मुद्दे पर ज़्यादातर चुनाव लड़े? हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, हमने विकास के लिए जो कुछ वहाँ के लोगों की मांग थी उसके ऊपर उसके काम कर दिए हैं। आगे के जो वायदे हैं वो उनको बता दिया कि 11 तारीख के बाद सारे शुरू होंगे, किसी प्रकार का कोई जात पात का मुद्दा वहाँ अब नहीं है। आपने 4 महीने पहले आपने कहा था मैं यहाँ का बड़ौदा का हल्के का विधायक हूँ, तब तक जब तक नया विधायक नहीं आता, जब तक विधायक, तो विधायक के नाते मुख्यमंत्री के नाते आपने विकास कार्य करवाए? मैंने 165 करोड़ रुपये